हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। बिल्कुल ही बेसिक से रिवीजन सीरीज है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सीखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, क्या उसकी कंडीशंस है और कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम अपने आसपास में देखते हो, कहाँ देखते हो। एग्जाम्पल करके दिखाएंगे या ट्राई करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दें। अभी के लिए समझते हैं थियोरेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। बड़ी ही बेसिक सी आसान सी चीज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन लिखी देख रहे होंगे जो कि सबने रट्टा मार रखी है पर समझ में नहीं आती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर आप सुनोगे ध्यान से, अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी अपने क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे, तो वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाले एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इसके लिए एक तो क्रिटिकल एंगल तुम्हें पता करना जरूरी है, एक तो तुम्हें क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये पता करना जरूरी है। दूसरी बात है जब वो रिफ्लेक्ट करेगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा से तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी बात एक समझ लो क्रिटिकल एंगल समझने के लिए कि ये एक डेंसर मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है। एज्यूम कर लो ये वाटर है और ये एयर है, तो रे ऑफ लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रही है, वाटर से एयर की तरफ जा रही है। एज्यूम करके देखो ये रे ऑफ लाइट आई वाटर से आई और एयर की तरफ गई, तो कहां गई एयर की तरफ। तो जानी तो चाहिए थी सीधी, जानी तो चाहिए थी सीधी, बट ये थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। क्या चली गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जानी कैसे चाहिए थी? जानी चाहिए थी ऐसे। तो ये रिफ्रैक्शन हुई है जब डेंसर से रेयर जाती है, ये तो सबको पता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ वाला, नॉर्मल के साथ वाला कहां गया, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे जैसे मैं एंगल आई को इंक्रीज करता जाऊंगा, जैसे अभी तो ये ऐसे जा ली ना, जैसे जैसे मैं एंगल आई को इंक्रीज करता जाऊंगा तो एंगल आर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एंगल आई को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल आर भी बढ़ता जाएगा। इसको इधर करूंगा तो और इधर रिफ्लेक्ट और करूंगा। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब ये एंगल आई रहा बट वो रिफ्लेक्ट अलोंग द सरफेस करने लग जाएगी, ऐसे रे आई और वो अलोंग द सरफेस रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट करने लग जाएगी। तो जब ये अलोंग द सरफेस रिफ्रैक्ट करी तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ और रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो गया। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, जिस एंगल पे ये 90 हुआ है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये 90 हुआ है, तो इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जिस मतलब मैं इसको इंक्रीज करता 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 आई की वैल्यू कुछ ऐसी हो गई, आई की वैल्यू हो गई मान लो 60 डिग्री। जब मैंने आई की वैल्यू 60 डिग्री करी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। जब आई 30 था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 50 था, आई 40 हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 70 हुआ। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 60 हुआ तभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया। तो जिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस पर रिफ्रैक्शन 90 हुई वो एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, सिंपल भाषा में। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझते हैं। देखो ये रही डायग्राम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम के लिए तुम क्या करोगे, यहां पर देखो ये मीडियम रहा, ये बीच में मीडियम है, ये इधर वाला मीडियम वाटर है, इधर वाला मीडियम वाटर है, इधर वाला मीडियम एयर है। तो लाइट गई इधर से ऐसे 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 और रिफ्रैक्ट कर गई, ये रहा थीटा वन, ये रहा थीटा टू, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, समझ रहे हो। जैसे जैसे मैं आई को इंक्रीज करता जाऊंगा तो रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अलोंग द सरफेस रिफ्रैक्ट हुई तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री आया, जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री आया उसको बोलते हैं
क्रिटिकल एंगल। अब जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस से इससे ज्यादा बढ़ाऊंगा, अब ध्यान सुन देना, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से आगे और बढ़ा देता हूं और इंक्रीज कर देता हूं, तो जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर किताबों के हिसाब से लिखूं, जब एंगल ऑफ आई इज लेस देन एंगल सी तो होगी रिफ्रैक्शन, नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही थी। जब एंगल आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, मतलब जिस एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग एमर्जेंस। जब रिफ्रैक्शन अलोंग द सरफेस होने लग जाए, जब रिफ्रैक्शन अलोंग द सरफेस होने लग जाए। तीसरी बात है, जब एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ सी, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल एंगल कुछ नहीं है, क्रिटिकल एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, बट जब रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल को इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल पर क्रिटिकल एंगल आ रहा था, इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंस एंगल कर दिया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू होने लग जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होती कैसे है? लेजर लाइट से करके देख सकते हैं। देख लो, जब मैं लाइट यहां से ऐसे करके मार रहा हूंगा, तो लाइट ना बाहर जा रही होगी, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा एंगल कम बढ़ाते ऐसे किया, एक टाइम पर लाइट इधर जाएगी बिल्कुल सरफेस पे। जब एंगल और थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो लाइट जो जाएगी वो सरफेस से बाहर ना जाकर सीधी इधर ही निकल जाएगी। लेजर लाइट करके भी दिखाएंगे तुम्हें, अभी के लिए सिर्फ समझो। ये देखो, कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, सारी की सारी रे ऑफ लाइट बाहर या अंदर अंदर ही रह रही है। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन खत्म हो गई, मीडियम डेंसर से रे जा रहा है बट रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। तो एक बात याद रखोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस है। नंबर वन कंडीशंस है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। एक बात तो याद रखना, लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, रेयरर से डेंसर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। दूसरा बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो होपफुली ये बात समझ में आई होगी, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखें, लेजर उठाएं, पानी उठाएं, कांच का गिलास उठाएं, ये इस बात को कर देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सी चीज़ है। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।